और अब बात करते हैं इंदौर की, जहां सुबह से ही घने बादल छाए रहे। दिन भर धूप छांव के बाद बुधवार शाम से इंदौर में बारिश का दौर शुरू हुआ, जहां देर रात तक तेज बारिश ने इंदौर को अपनी आगोश में ले लिया। मूसलाधार बारिश की रफ्तार इतनी तेज थी कि सड़कों पर कुछ दिखाई तक नहीं दे रहा था। स्थिति ये भी थी कि सड़कें पानी से लबालब हो गई। BRTS पर तो कई जगह पानी भर गया और कई जगह गाड़ियों के आधे टायर तक डूब गए। इस दौरान कई लोगों की गाड़ियां भी बंद हो गई। मौसम विभाग इंदौर में 14 जुलाई के बाद से ही तेज बारिश होने की संभावना जता रहा है। तो वहीं मंगलवार को इंदौर में सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक कभी तेज तो कभी रिमझिम बारिश होती रही। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक मंगलवार को सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक करीब 5.6 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम वैज्ञानिकों से मिली जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश से होकर राजस्थान तक जा रही ट्रफ लाइन के कारण उड़ीसा में एक अति कम दबाव क्षेत्र बना हुआ है। ये आगे बढ़ेगा तो इसका असर इंदौर सहित प्रदेश के अन्य जिलों पर भी होगा, जिसके असर से 14 जुलाई से अच्छी बारिश का दौर शुरू होगा जो कि 18 जुलाई तक बना रहेगा। इंदौर में भी लगभग 10 इंच तक बारिश हो चुकी है। तो वहीं एयरपोर्ट स्थित मौसम केंद्र की माने तो इस साल जुलाई माह खत्म होते होते बारिश का आंकड़ा 15 इंच तक पहुंच जाएगा। इंदौर में मंगलवार को 12 बजे तक बारिश हो रही और उसके बाद बादल छाए रहने से तापमान में 5 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। इंदौर में अधिकतम तापमान 26.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 23 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं बारिश के बाद शहर में आर्द्रता 89% दर्ज की गई है। इंदौर में मंगलवार को जहां 5.6 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई, तो वहीं मौसम केंद्र के अनुसार सोमवार को एयरपोर्ट क्षेत्र में 0.8 मिलीमीटर और रीगल क्षेत्र में 8.5 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई थी। शहर में पिछले 2 दिनों में एयरपोर्ट पर 18 और रीगल क्षेत्र में 29 मिमी बारिश दर्ज की जा चुकी है। तो वहीं इंदौर जिले में अब तक कुल 220.8 मिमी औसत बारिश दर्ज की जा चुकी है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक वर्तमान में जो सिस्टम बन रहे हैं उनकी स्थिति में तेजी से बदलाव नहीं हो रहा है। इंदौर में अरब सागर से आ रही नमी के कारण वर्षा की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं, लेकिन लोकल स्पॉट एरिया नहीं मिलने के कारण वो बरस नहीं पा रहा है। वहीं बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम से भोपाल देवास सहित प्रदेश के पूर्वी मध्य हिस्सा ही ज्यादातर प्रभावित हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज़।